गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाबी वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे से वॉश कर लिया था और अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लिया था। गाइस, जब भी मेकअप करें तो आप अपना स्किन केयर ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको है ना मेकअप आपका अच्छा चाहिए तो आप अपना स्किन केयर बिल्कुल भी ना भूलें। सो यहाँ पे मैंने अपने ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा वाला प्राइमर है गाइज, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो गाइज गो फॉर इट। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। यहाँ पे मेरा शेड है 230। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट डॉट करके। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप ब्रश से है ना ब्लेंड कीजिए अपने फाउंडेशन को, आपको फुल कवरेज मिलेगी। यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। गाइज, आप देख सकते हो इसका कवरेज इतना अच्छा कवरेज देता है। मैं पहले ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती थी, बट स्टिल मैंने सोचा क्यों ना ब्रश यूज़ किया जाए। तो जब मैं ब्रश यूज़ की तो उसका कवरेज देख के मैं इसकी फ़ैन हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो ब्रश से ही है ना ब्लेंड किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो उसकी कवरेज, गाइस कितनी अच्छी कवरेज देती है ब्रश। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, जिससे मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करूँगी और जहाँ जहाँ मेरी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी हाइड करूँगी। जैसे लिप्स के आसपास मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सब देख सकते हो। थोड़ी मेरी फोरहेड पे भी है, अब तो बहुत कम गई हैं बट पहले बहुत थी, फिर भी चलो हाइड करना ज़रूरी है। फिर मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे। गाइस, जब भी है ना कंसीलर है ना ब्लेंड करें उससे पहले हल्का सा मेकअप फिक्सर यूज़ करें ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो। गाइस, बहुत अच्छा वाला वर्क करता है। गाइस, आप ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था इससे। मैं यहाँ पे फिर है ना अपने कंसीलर को ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। जैसे कि आप देख सकते हो फिर मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट अपना यूज़ करूँगी, अपने पूरे कंसीलर को पैक कर दूँगी जिससे कोई भी क्रीज लाइन नहीं बने। गाइस, अपने कंसीलर को पैक करना बिल्कुल भी मत भूले, नहीं तो आपके है ना क्रीज लाइन हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने नेक एरिया में भी लगाया है ताकि मेकअप अलग ना दिखे। गाइस, थोड़ा सा है ना डिसकलर दिख रहा है मेरा नेक, क्योंकि है ना वहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए। फिर यहाँ पे मैं आई मेकअप की ओर चली तो फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है लाइट पिंक शेड, जिसे मैं अपनी क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो। गाइज, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी अपने आई मेकअप के लिए, बस सिंपल सा एक आई लुक क्रिएट करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने दोनों आँखों पे है ना क्रीज लाइन के ऊपर ये लाइट पिंक शेड लगा लिया है। फिर यहाँ पे मैं येलो कलर का एक शेड ले रही हूँ जिसे मैं अपने लिड पे लगाऊँगी अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हो। तब तक लगाऊंगी जब तक मेरा एग्जैक्ट सेट मुझे मिल ना जाए, तब तक मैं लगाऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने पहले सोचा क्यों ना कट क्रीज किया जाए, बट मैंने फिर सोचा कि नहीं ऐसे ही लगाते हैं।
देख सकते हो मैंने लगा लिया है। फिर यहाँ पे मैं ये है ना गोल्डन सिमरी सेड है गाइस, उसे मैं पिक करूँगी अपने पूरे आईलिड पे लगाऊँगी, इससे कि मेरा आई लुक इतना ब्यूटीफुल लग रहा है क्या बताऊँ मैं आपको। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री 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 है। यहाँ पे मैंने अपने लिड पे अप्लाई कर लिया है ग्लिटर सेट, फिर मैं ये ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी कलर अलग अलग ना दिखे। फिर मैं यहाँ पे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से लेके अपने लोअर लैश लाइन पे स्मच करूँगी वही पिंक सेट को। गाइस लोअर लैश लाइन पे के नीचे स्मच करने पे थोड़ा केयरफुल रहे, नहीं तो जो आपका आई शेडो है वो है ना आँखों में जा सकता है। गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, बिकॉज थोड़ा बहुत तो शोरगुल होता है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं गाइस। फिर यहाँ पे मैं ये पिंक कलर का एडीएस का है ना ये आईलाइनर है, बट मैं इसे काजल की तरह यूज़ करूँगी और आईलाइनर भी इसी से ड्रॉ करूँगी गाइस, जैसे कि आप देखना वीडियो में अच्छे से बहुत ही अच्छा लुक आता है गाइस। देख लो आप, मेरा पेंसिल टूट गया, कोई बात नहीं, मैंने फिर से उसे अच्छे से ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। मैंने ज़्यादा मोटा नहीं ड्रॉ किया है, एकदम थिन है ना आईलाइनर ड्रॉ किया है सिंपल सा। गाइस ये इयररिंग मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था, सो मैं इसका लिंक नहीं दे सकती। और यहाँ पे मैंने जितना भी प्रोडक्ट यूज़ किया है मैं सारे अफोर्डेबल हैं, कोई भी महंगा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। ये देख सकते हो मेरा आई लुक हो गया, अभी आई शेडो हो गया कंप्लीट, अब बच गया मस्कारा जो मैं लगाऊंगी। बट मैंने यहाँ पे पहले लगा लिया है ब्लश, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैं ले रही हूँ स्विच ब्यूटी का हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट, इससे मैं पीची कलर लूँगी। इसमें जो पीच कलर मैंने आपको दिखाया ना वो कलर मैं लूँगी और अपने है ना चिक्स पे अप्लाई करूँगी एज अ ब्लश। बहुत ही अच्छा वाला कलर है गाइस, आप जैसे देख सकते हो। फिर मैं एज अ हाइलाइटर ऊपर ये जो है ना रोज़ पिंक, नहीं इसको रोज़ पिंक तो नहीं बोलेंगे बट हाँ है ना हाइलाइटर शेड है उस है ना पिंकी पिंकी सा है, सो मैंने उसे एज अ हाइलाइटर यूज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हो अपने चिक्स पे अपने नोज़ पे अपन अपर लिप्स के ऊपर लगा लिया है। फिर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का लिपस्टिक जिसका शेड है 05, बहुत पसंद है मुझे लिपस्टिक गाइस, इतनी अच्छी लिपस्टिक है ना गाइस क्या बताऊँ, आपके लिप्स को ड्राई नहीं करती है ना ये है ना, कोई कोई लिपस्टिक होती है जो आपके लिप्स को सुपर ड्राई करती है बट ये नहीं करती, बहुत ही अच्छा वाला लिपस्टिक है गाइस आप देख सकते हो। मैंने आईब्रो भी है ना ऑफ कैमरा फिल कर लिया था है ना, जो कि आप लोग जानते हो कितना सिंपल है आईब्रो फिल करना। फिर यहाँ पे मैंने वही सेट लेकर एज अ हाइलाइटर अपने ब्रो बोन पे भी लगाया है जैसे कि देख सकते हो। तो गाइस ये था मेरा वीडियो आज का, ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लुक आपको कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, मिलती हूँ आपसे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। सीने से लग जा तू बल।